मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें पता है कि जो सीक्वेंस होती हैं वो काफ़ी पैटर्न को फॉलो करती हैं। कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती हैं, कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंस भी हैं जिनका एक स्पेशल पैटर्न होता है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 16 के बाद का नंबर क्या होगा? इमीडिएटली आप इस पैटर्न को देखेंगे तो बताएंगे कि इसके बाद जो नंबर है वो 32 होगा। कैसे आप जज करते हैं? आपको पता है कि जो हर नंबर है वो अपने पिछले नंबर का डबल हो रहा है। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4। तो इस तरह से जो ये नंबर्स हैं हमारे पास, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करें, जिसमें हमें पता है कि हर नंबर एक स्पेशल जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर नंबर पिछले नंबर का के टाइम हो तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें हम फर्स्ट टर्म ए लिखते हैं। तो जो हमारे पास एक स्पेशल मल्टीप्लायर है वो हमने क्या लिया है, आर। ये आर वो नंबर है जो हर नंबर के साथ आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जो अगली टर्म है, जब ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, ए आर। जब ए आर को हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। और इस तरह से जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ए आई है, लेकिन जो सेकेंड टर्म है ए आर, और थर्ड टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर। तो इस पैटर्न को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन। देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वन लिखा है, तो यहाँ पे r की पावर कितनी है, जीरो। जब हमने सेकेंड टर्म ली तो r की पावर कितनी है, वन। यानी कि हर बार आप देखेंगे कि जहाँ पे जितनी भी हमारे पास टर्म है उसमें r की पावर एक कम हो जाती है। तो इसमें हमारे पास जो nth टर्म होगी उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस वन। और इस nth टर्म को हम जनरल टर्म भी कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी अगर टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकंड हमें क्या चाहिए, कॉमन रेशो। ये जो नंबर हमारा मल्टीप्लायर है इसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि कोई भी दो हम जो कॉन्टिन्यूस नंबर लेते हैं, अगर दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करें, यानी कि अगले नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें एक स्पेशल नंबर मिलता है, उसको क्या कहते हैं, कॉमन रेशो। तो अगर हमें ए और आर ये दोनों चीज़ें पता है तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, अगर हमें इस सीक्वेंस में कोई ये कह दे कि इसमें 59th टर्म कौन सी होगी, तो इस पैटर्न से हमें फाइंड आउट करना बहुत आसान है, बजाय इसके कि हम इसकी सीक्वेंस को लिखते चले जाएं। जब हम इस सीक्वेंस को पूरा लिखेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, हमें nth टर्म पता है कि nth टर्म क्या है, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस वन। तो अगर हमने इसमें 59 टर्म फाइंड आउट करनी हो, जैसे कि ये सीक्वेंस है, तो इसमें हमें पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, वन, और कॉमन रेशो क्या है इसमें, टू। तो a इंटू टू, टू की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 58। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 raised to power 58। तो इतनी टर्म जो बड़ी पावर है इसको पूरी तरह से सॉल्व करना आसान नहीं है, लेकिन इसका आंसर हम यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं। तो देखिए जो भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको एक मेथड से सॉल्व करना बहुत आसान है। लेकिन ये तो एक क्वेश्चन हुआ कि अगर हमने कोई टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। लेकिन अगर हमें कोई यह कह दे कि अगर इन टर्म्स का सम फाइंड आउट करो तो उसको कैसे करें। देखिए हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें टर्म्स क्या आ रही है, ए ए आर, ए आर स्क्वायर अप टिल ए आर ए सुपर एन माइनस वन। ये हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर हमारे पास ये सीरीज आ जाती है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर ए सुपर एन माइनस वन। सीरीज क्या होती है कि इसी सीक्वेंस के अंदर अगर हम प्लस का साइन लगा देते हैं तो एक सीरीज बन जाती है, और ये हमारे पास है सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या है। तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए हम क्या करें, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो नंबर है हमारे पास ए आर बन जाएगा, और ये नंबर बनेगा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन।
जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास आएगी ए आर ए सुपर एन। अब इन दोनों जो इक्वेशंस है इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें पता है कि ये ए आर कैंसिल हो जाएंगे, ए आर स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी एंटिल ए आर ए सुपर एन माइनस वन, ये सभी टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस ए आर ए सुपर एन, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा एस एन माइनस आर इंटू एस एन। तो यहाँ पे एस एन हमारे पास कॉमन है और इसी प्रकार यहाँ पर ए कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास एस एन क्या बन जाता है, ए इंटू वन माइनस आर ए सुपर एन फॉर्म में आ जाएगा वन माइनस आर। लेकिन ये फॉर्मूला हम तब लगा लेते हैं जब हमारे पास जो कॉमन रेशो है उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन। अगर ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन वन आ जाए तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये इसको इसी के अंदर हम इसकी माइनस साइन के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, ऊपर और नीचे अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ए इंटू आर ए सुपर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। तो ये दो फॉर्मूला है हमारे पास एस एन के लिए, चाहे आप एक ही फॉर्मूला याद कर लें लेकिन साथ में हमें ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू कॉमन रेशियो की लेस देन वन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और ग्रेटर देन वन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये तो हुआ कि अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है और उसमें हमें ये कह दिया जाए कि सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड आउट करो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसके इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 9.3। क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड 20th एंड n टर्म्स ऑफ जीपी। अब जीपी हमारे पास क्या है, 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म। तो 20th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a इंटू आर रेज टू पावर यूजिंग द फॉर्मूला a आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, तो जितनी हमारे पास टर्म है पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ए आर ए सुपर एन माइनस वन से हमारे पास यहाँ पे क्या बचेंगे, 19 पावर्स। अब हमारे पास ए और आर ये क्या है, आर इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 5/2। व्हाट इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो ये होती है कि अगर हम दो कोई भी दो टर्म्स या उनको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कॉमन रेशियो आती है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि नेक्स्ट टर्म में से कोई भी जो दो टर्म्स अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म में से हमने पिछली टर्म को ही डिवाइड करना है, या हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं a2 डिवाइड बाय a1। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। आप यहाँ से वैसे भी देख सकते हैं कि अगर हम 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ही हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो हमारा जो कॉमन रेशियो है वो क्या आया, 1/2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/2, तो 5/2 इंटू 1/2, 1/2 की पावर कितनी आई, 19। लेकिन एक पावर हमारे पास ये भी है, तो आंसर क्या आएगा, 5/2 raised to power 20। तो ये हमारे पास क्या आया है, 20th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द n टर्म्स ऑफ जीपी। nth टर्म इसमें क्या आएगी, व्हाट इज द nth टर्म, a की वैल्यू है हमारे पास 5/2 और r की वैल्यू 1/2 रेस ऊपर n माइनस 1। लेकिन एक पावर ये होने के पास कारण हमारे पास क्या आएगा, 5/2 raised to power n। Now what is the second question? Find the 12th term of GP whose 8th term is given and common ratio is given. तो ये question आसान है, second question आप खुद try कर सकते हैं। What is the third question? 5th, 8th and 11th terms are given P, Q and S. तो ये हमारे पास 8th term है और ये हमारी 11th term है। हमने prove क्या करना है, Q square is equal to PS, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए फिफ्थ टर्म फॉर्मूला क्या आएगा, ए आर ए सुपर फोर, यहाँ पे एट टर्म का फॉर्मूला ए आर ए सुपर सेवन, इलेवन टर्म फॉर्मूला इज ए आर ए सुपर टेन।
तो हम क्या करेंगे, चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कर लें। वट इज द लेफ्ट हैंड साइड, क्यों स्क्वायर, तो क्यों की वैल्यू क्या है, ए आर रे सुपर सेवन और उसका स्क्वायर, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर इंटू आर रे सुपर 14। और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी एस, तो पी एस पी की वैल्यू है ए आर रे सुपर 4 और यहाँ पे है ए आर रे सुपर 10, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर एंड आर रे सुपर 14। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो चाहे तो आप ये मेथड अप्लाई करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इसमें हमने पी क्यू एस की वैल्यूज को रिप्लेस किया। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप डिवाइड करें, इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करें, हमारे पास क्या निकल आएगा, यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू, यहाँ से भी आर क्यूब की वैल्यू निकल आएगी, तो दोनों आर क्यूब की वैल्यूज को आप इक्वेट करेंगे तो भी हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। नाउ व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, तो तीन पार्ट है, एक पार्ट हम कर रहे हैं और बाकी दो पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। टू टू रूट टू फोर एंड सो ऑन, तो हमें ये बताना है कि जो 128 है ये कौन सी टर्म है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो के लिए हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को डिवाइड करें, सेकेंड टर्म को डिवाइड करें नंबर वन टर्म से, तो 2√2/2, तो ये हमारे पास आया है √2। तो अब हमारे पास जो nth टर्म है, हम इसको मान सकते हैं कि ये nth टर्म है, तो nth टर्म का हम फॉर्मूला लगाएंगे ए आर ए सुपर एन माइनस वन इज इक्वल टू 128। तो यहाँ पे a की वैल्यू और r की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और 128 हमें पता है ये 2 की पावर कितनी होती है, 7 पावर्स, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 × 2√n−1/2। अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर 1/2 होती है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, n−1/2। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 की पावर 1 है उधर जाके घट जाएगी, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 6। तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वल, तो n−1/2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है 12+1=13। तो ये हमारे पास क्या आई, n की वैल्यू। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म को देखा, कॉमन रेशियो को फाइंड आउट कर लिया, तो nth टर्म हमने यूज की है, तो nth टर्म का फॉर्मूला हमने लगाया ए आर इज सुपर एन माइनस वन, ए और आर की वैल्यूज को रिप्लेस करना है और उसके बाद हमने 2 की पावर्स को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए फिफ्थ के जो बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। सिक्स क्वेश्चन इज फोर्थ, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी, तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें एक मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना हो और ये दिया हो कि ये जो तीन टर्म है आपस में जीपी में है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, कॉमन रेशियो शुड बी सेम। ये जो थ्री टर्म्स है हमारे पास क्या है, जीपी में है, दीज टर्म्स आर इन जीपी, तो हमारे पास ए टू अपॉन ए वन ये आएगा 7x−2। अगर हम थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं ए टू से, तो हमारे पास आएगा 7/2 / x, तो −7/2x। तो ये जो हमारे पास रेशो आ रही है ये सेम होनी चाहिए क्योंकि टर्म्स हमारे पास क्या है, जीपी में है, तो हम इक्वेट करेंगे तो −7/2x इज इक्वल टू −7/2x, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा x के इक्वल टू 1, तो x की वैल्यूज आएंगी +−1, यानी कि x की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। नेक्स्ट है सेवन क्वेश्चन, फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन द ईच ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7-10, यानी कि जो हमारे पास चार क्वेश्चन है एक जैसे हैं, हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एन टर्म्स, तो इसमें हम 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं और पार्ट्स आर सेम, तो जो पार्ट्स हमने बीच में छोड़े हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो 10th क्वेश्चन इज
एक्स रेज़ टू पावर 3, एक्स रेज़ टू पावर 5, एक्स रेज़ टू पावर 7 एंड अप टिल एन टर्म। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था ए इंटू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि जो एक्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो हमारे पास 1 तो नहीं है। तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो आप आर की वैल्यू आर की पावर एन माइनस 1 बोन आर माइनस 1 यूज करें, चाहे 1 माइनस वो फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म। नाउ व्हाट इज द कॉमन रेशियो? आर इज द सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ। देखिए यहाँ पे 5 पावर्स हैं, यहाँ पे 3 पावर्स हैं, तो कितनी पावर बचेगी? एक्स की पावर 2। तो एक्स की पावर 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स होगा। तो इसमें क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता कि x क्या है, x की वैल्यू क्या है, तो हम अपना आंसर यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। इवैल्यूएट समेशन 2 प्लस 3 रेज टू पावर k वेयर i की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या है? 1 2 11, यानी कि जो k की वैल्यूज है 1 से लेके 11 तक है। समेशन k इज इक्वल टू 1 2 11 2 प्लस 3 रेज टू पावर k। देखिए जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये होता है कि ये समेशन है किन के ऊपर? अलग अलग टर्म्स। टर्म्स कहाँ से कहाँ तक है? टर्म्स है 1 से लेके 11 तक। k की वैल्यू जब हम 1 में फिलअप करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइम टर्म आएगी वो आएगी 2 प्लस 3 रेज टू पावर 1। सेकेंड टर्म इज 2 प्लस 3 रेज टू पावर 2। इसी प्रकार थर्ड टर्म आएगी 3 रेज टू पावर 3 एंड अप टिल एन टर्म। सॉरी यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास 11 दे रखी है, तो 2 प्लस 3 रेज टू पावर 11 आएगा। तो यहाँ अब हमारे पास एक सीरीज तो ये बन रही है 2 प्लस 2 प्लस अप टिल 2। ये कितनी टर्म्स है हमारे पास? 11 टर्म्स है। प्लस अब हमारे पास एक जीपी है 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3 अप टिल 3 रेज टू पावर 11। देखिए इसमें हमारे पास दो सीरीज बन रही है। आप जो ही हमारी सीरीज है 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टिल 2, तो चाहे तो आप इसको एपी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 0। ये हमारे पास जीपी भी है। जीपी क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास कॉमन रेशियो 1 आ रही है। तो चाहे एपी का फॉर्मूला अप्लाई करें या जीपी का, दोनों ही मेथड से इसका आंसर सेम आएगा। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि जब सेम नंबर को n टाइम्स हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है n इंटू दैट नंबर। तो 2n यानी कि 2 इंटू 11, सीधा भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं प्लस। अब ये हमारे पास क्या है? एक जीपी है। जीपी में हमारे पास विद फर्स्ट टर्म क्या है? 3 एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 3, लेकिन साथ में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 11। तो यूजिंग दीज वैल्यूज यू आर गेटिंग द सम ऑफ 11 टर्म्स। तो सम ऑफ 11 टर्म्स के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a r रेज टू पावर 11 माइनस 1 r माइनस 1। यहाँ हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि कॉमन रेशियो की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो 3 है 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 22 प्लस a, a की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये 2 आएगा। तो लास्ट में मित्र लिखेंगे 22 प्लस 3 बाई 2 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1। तो ये हमारा सम ऑफ 11 टर्म्स है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करिए। ये हमारे पास एक समेशन का साइन था जिसमें k की वैल्यू 1 से लेके 11 है, यानी कि k की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो 3 रेज टू पावर 1 आएगा, प्लस में 2 साथ साथ चलता रहेगा। तो सेकेंड टर्म ये हमारे पास 2 प्लस 3 रेज टू पावर 2, जब k की वैल्यू 3 आएगी तो ये आएगा, k की वैल्यू 11 आएगा तो ये आएगा। ये हमारी टोटल कितनी टर्म्स है? 11 है, यानी कि जो 2 है कितनी बार ऐड हो रहा है? 11 टाइम्स। तो इसके बाद हमारे पास जो ये सीक्वेंस थी, जो सीरीज थी 3 रेज टू पावर 1 से लेकर 3 रेज टू पावर 11 तक, इनका हमने क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। तो उसका हमने फॉर्मूला जीपी का लगाया, तो लास्ट में हमारे पास ये आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th।
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू द गिव द सम 120। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है जी, ये हमारी जीपी थी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, उनका सम हमारे पास दे रखा है 120, तो यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू 120 रख देंगे, तो वहां से हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एन की वैल्यू। तो ये 13 क्वेश्चन जो है आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ व्हाट इज द 14th क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 16। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ये हमारे पास पहली तीन टर्म्स का सम जो है A1 प्लस A2 प्लस A3 दैट इज इक्वल टू 16, एंड सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स यानी कि A4 प्लस A5 प्लस A6 इनका जो सम है वो हमारे पास है 128। डिटरमिन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने सब कुछ फाइंड आउट करना है, ए बी आर बी एंड सम ऑफ एन टर्म्स, ये तीन चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट ए ही होता है, सेकंड टर्म होती है ए आर, नेक्स्ट टर्म इज ए आर स्क्वायर, सेम इन दिस सीक्वेंस। तो ए आर क्यूब ए आर रेज टू पावर 4 ए आर रेज टू पावर 5 इक्वल टू 128। तो यहां से हम आर की पावर जो 3 है वो कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा ए इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। अब ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन से हम फिलअप करेंगे 16, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 128 डिवाइड बाय 16। जब इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 8। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्यूब है तो 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, तो आर की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2। अब आर की वैल्यू जो 2 आई है इस इक्वेशन में हम रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, तो ए इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ए ये सारा जब हम कैलकुलेट करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1 तो 7 आएगा, तो 16 बाय 7, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है। तो ये दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं, आर की वैल्यू एंड ए की वैल्यू। नाउ वी नीड टू सॉल्व Sn, Sn के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू, अब हमें कॉमन रेशो को ध्यान में रखना है कि इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे r रेशो पर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 बाय 7, और r की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 रेशो पर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू जो अपॉन में है वो 1 आ जाएगी, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा 16 बाय 7 इंटू 2 रेशो पर n माइनस 1। तो ये हुआ Sn। नाउ व्हाट इज द 15th क्वेश्चन, गिवन ए जीपी विद ए इज इक्वल टू 729 एंड 7 टर्म 64, डिटरमिन S7, यानी कि अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, S7 सम ऑफ 7 टर्म्स। तो 7 टर्म्स के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, ए एंड कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो हमें चाहिए। तो लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो ऑलरेडी गिवन है 729, तो कॉमन रेशियो कहाँ से निकलेगी, हमारी जो 7 टर्म दी हुई है 64, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। 7 टर्म का फॉर्मूला आएगा ए आर रेशियो पर 6 इज इक्वल टू 64, तो आर रेशियो पर 6 इक्वल टू 64 डिवाइड बाय ए, ए की वैल्यू कितनी है 729। अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे, ये 2 की पावर 7 है और नीचे हमारे पास 3 की पावर 7, यानी कि जो कॉमन रेशो हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2/3, क्योंकि हमारे पास सॉरी ये 6 पावर्स हैं और ये भी 6 पावर्स हैं। चेक कर सकते हैं आप 2 रेशो पावर 6, यानी कि 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 ही आएगा। सिमिलरली हमारे पास नीचे क्या है, 3 रेशो पावर 6, यानी कि 9 × 9 × 9, तो हमारे पास क्या आएगा 729। तो इसमें ये हमारे पास 6 पावर्स है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3, तो r की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a की वैल्यू है। नाउ व्हाट इज टू फाइंड S7, S7 का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे a इंटू,
अब हमें कॉमन रेशियो को ध्यान रखना है। कॉमन रेशियो क्या है, इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है दैट इज लेस देन वन। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वन माइनस आर रेशियो पर एम। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 729, वन माइनस आर की वैल्यू है 2/3 रेशियो पर एम। यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी आएगी 7, वन माइनस 2/3। तो 729 मल्टीप्लाई, अब हमें पता है कि ये 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 7 कितनी है हमारे पास, और 2 की पावर 7 ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 माइनस 2, हमने एलसीएम लिया तो डिवाइड में हमारे पास आएगा 3 रेशियो पावर 7, और यहाँ पे डिवीजन में एक एलसीएम लेने के बाद 3 आएगा, तो ये हमारे पास 6 पावर्स बचेंगी। ये हमें पता है 6 पावर्स हैं, तो ये भी हमारे पास 3 की पावर 6 है, तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 रेशियो पावर 7, जो 729 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2187 माइनस में है 2 रेशियो पावर 7, तो ये होता है 128 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 वो आएगा, तो 2187 में से जब 128 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9501, तो ये हमारा आंसर आएगा। ये रही है बात सभी को, सॉरी 20। तो ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, सेवन टर्म गिवन है, और हमने कैलकुलेट क्या करना था S7 के फॉर्मूले में हमें A और R दोनों चाहिए होते हैं, तो हमने क्या किया 7 टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने कॉमन रेशियो फाइंड आउट की। कॉमन रेशियो हमने इसके अंदर फिलअप की है, और उसके बाद A की पावर जो 2 और 3 इनकी जो पावर 7 है उनको सॉल्व करके हमने वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास क्या आ गया S7। इसके बाद जो हमारा 16 क्वेश्चन है, फाइंड ए GP फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। AR^4 और यहाँ पे आएगा AR^2। A is cancelled, तो R स्केयर इक्वल टू 4, तो R की वैल्यू क्या आएगी +-2। तो R की वैल्यू हमारे पास +-2 है, उसी के अकॉर्डिंग हम A की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जब R की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा A इंटू 1+2 इक्वल टू -4, तो A की वैल्यू आएगी -4/3। लेकिन R की वैल्यू अगर -2 है तो A की वैल्यू आएगी 1-2 इक्वल टू -4, तो A की वैल्यू आ जाती है 4। तो इससे हमारे पास 2 GP फाइंड आउट हो जाती हैं। पहली GP तो हमारे पास आएगी 4 इंटू, जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 देन 16 एंड सो ऑन, ये एक GP हमारी ये आएगी। सेकंड GP हमारे पास कहाँ से आएगी, यहाँ से -4/3 इंटू 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करने तो -8/3 -16/3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास 2 GP आ जाती है। देखिए इससे इसके बाद एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इसी प्रकार बहुत ही आसान क्वेश्चन से आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।